मोहम्मद नगर की पावन धरती पर ये बुद्ध कथा आयोजन आप लोगों की तन मन धन के सहयोग से रखा गया। आज उसका दूसरा दिन है, बाबा साहब के देन है माताओं बहनों की। आज हम और आप लोगों को एक पास बैठने का अधिकार मान सम्मान मिल गया, वरना कौन कहता है कि हम और आप लोग पढ़ लिख सकते थे। मैं नहीं कहता, इसका इतिहास गवाह है कि यहां पर सूत वर्ण के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और इसका प्रमाण भी है कि अधिकार नहीं था। माताओं बहनों, यहां पर बाबा साहब की दया दृष्टि बनी तब हम और आप लोगों को अधिकार मान सम्मान मिला, क्योंकि सन 1950 से पहले ये अधिकार मान सम्मान हम लोग जो आज बैठ करके कथा सुन पा रहे हैं ये बाबा साहब की देन है। क्योंकि बाबा साहब ने भारत को धर्म निरपेक्ष देश बनाया, जो चाहे उसकी पूजा कर सकता है, जो चाहे वो धर्म को अपना सकता है। ये बाबा साहब ने सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया। बाबा साहब ने माताओं बहनों संविधान का मतलब क्या है, सब माने बराबर, विधान माने नियम और कानून। बाबा साहब ने बराबर का नियम और कानून हम और आप लोगों के लिए बराबर का अधिकार मान सम्मान दिया। अगर हम गुनाह करते तो हमको भी जेल जाना पड़ेगा, तुम गुनाह करते तुमको भी जेल जाना पड़ेगा। ये बाबा साहब ने प्रावधान यहाँ पर लागू किया। आइए उन्हीं के चरणों में हम छोटा सा गीत देने के लिए जा रहे हैं, बड़ी सुंदर तर्ज है, क्योंकि बाबा साहब ने हम और आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया है, बाबा साहब क्या कोई भगवान थे। अम्मा बहनी कहा लगती दयु की बड़ी बड़ी आंखें, उनका तीनों तलाक देखा तो भीम का घबका जाने वही है कोई भीमा सिम्मा। आओ मैं बताऊं भीम क्या चीज है, बाबा साहब क्या चीज है, और बाबा साहब ने तुम्हें क्या दिया है और क्या क्या पाए हो उनसे। ये पूछो कि क्या क्या नहीं मिला उनसे, हर एक चीज हम और आप लोगों को उनसे मिली। लोग कहते हैं हनुमान जी ने एक हाथे पे पर्वत को उठाया था, मैं भी मानता हूं हनुमान जी ने एक हाथे पे पर्वत को उठाया था, लेकिन मैं बड़े गर्व से कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं कि अगर हनुमान जी ने एक हाथे पे पर्वत को उठाया था तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब किसी से कम नहीं थे। अगर बात अच्छी लगे तो बाबा साहब को तालियों से स्वागत करना, पहले सुन ले। लोग कहते हैं हनुमान जी ने एक हाथे पे पर्वत को उठाया था, तो मैं भी सीना ठोक कहता हूं कि अगर हनुमान जी ने एक हाथे पे पर्वत को उठाया था तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब किसी से कम नहीं थे। एक कलम की नोक पे पूरे भारत देश को उठा रखा है, पूरे भारत देश को उठा रखा है एक कलम की नोक पे। और कहते भी हैं गीता से चलता है ना और चलता कुरान से, और चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, और चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। आज बाबा साहब की दया दृष्टि बनी, आज हम लोगों को अधिकार मिल गए। आइए, क्योंकि इससे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों को अधिकार क्यों नहीं थे, तब यहां पर मनोविधान लागू था। अब मनु के विधान में चार वर्ण बनाए गए थे, कौन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब आप लोग अपनी अपनी जाति पर खूब घमंड करते हो, तो यह चीज हमका बता दो, देखो गिनो कौनी जाति में तुम आवत हो। मनु के विधान में चार वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आप अपनी जाति ढूंढो, देखो कौनी जाति में आवत हो। आपसे पूछा जाए क्या आप ब्राह्मण है, नहीं है। क्या आप क्षत्रिय है, नहीं है। क्या आप वैश्य है, नहीं है। बच्ची कौन, बच्चा कौन सा वर्ण,
शूद्र। अब शूद्र वर्ण में कितने लोग आते हैं? 6656 जातियां। अब इसमें अहीर, गररिया, तेली, तमोली, नटकंजर, पासी, पंखु, चमार, कहाल, लोहार, धोबी, नाई, कुर्मी, काछी, मौरिया, तेली, तमोली, अरे जितने लोग आते सबका है शूद्र है। अहिठति बररत है, चलते हैं, लागत हमको है नहीं, लागत हमसे तो ऊंचे हैं, तुम कैसे ऊंचे हो? अगर ऊंचे हो तो इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बने हैं, एक मंदिर में बताओ कहूं चमार समाज के पुजारी बैठो, कहूं यादव समाज के पुजारी बैठो, कहूं तेली समाज के पुजारी बैठो, कहूं पासी समाज के पुजारी बैठो, कहूं धोबी समाज के पुजारी बैठो, कहूं तेली समाज के पुजारी बैठो, कहूं यादव समाज के पुजारी बैठो, कहूं कुर्मी समाज के पुजारी बैठो, कहूं मौर्य समाज के पुजारी बैठो, एक मंदिर में बताओ इतने भव्य भव्य मंदिर बने हैं, एक मंदिर में बताओ अगर इस शुद्ध वर्ण के लोगों में एक पुजारी बैठे हो मंदिर में, हत नहीं बताओ, ढूंढ के दिखाओ, मैं तुम्हें गुणमाई करूंगा। का भगवान सब एहन किया हो? का हो का भगवान सब एहन किया बताओ ना, काय के लोग घमंड कर रहे हो? और ये 6000 जितने शुद्ध वर्ण में हैं, इतिहास गवाह है। हमारे आपके जो बाबा हैं, बाबा के बाबा कितना पढ़े लिखे रहे हैं पूछ लो, सब अंगूठा टेक मिली है, सब अंगूठा टेक मिली है। जब से संविधान लागू हुआ तब से हमारे समाज के लोग पढ़ने लिखने लगे। लोग कहते हैं कि यहाँ पर भागो कलयुग आ गया। क्या गया? कलयुग। कलयुग नया हुआ है चाचा, हम बताई का हुआ है? यहाँ पर चार युग हुई है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग में क्या हुआ? केवल ब्राह्मण समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार था। द्वापर में क्या हुआ? दो लोगों को पढ़ने का अधिकार हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय को। त्रेता में क्या हुआ? तीन लोगों को पढ़ने का अधिकार हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को। अब कलयुग में, कलयुग नया हो, जिस समय बाबा साहब यहां जन्मे, बाबा साहब ने यहाँ पे लॉ लागू किया, कानून लागू किया, संविधान लागू किया, कलम का युग लागू किया। कलम का युग लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया। जिस समय यहाँ पर चमार, पासी, धोबी, धानुक, अहिर, गररिया, तेली, तमोली, नटकंजर, पासी, पंखु, चमार, कहा, लोहार, धोबी, नाई, कुर्मी, काची, ये पढ़ने लगे, लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, भागो भागो कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। कलयुग नहीं आया, कलम का युग आ गया। यहाँ पे कलयुग नहीं आया, बाबा साहब ने कलम का युग ला करके खड़ा कर दिया। आज सभी वर्ण के लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, वकील, जज, बैरिस्टर, कलेक्टर, आज सब बन सकते हैं। इसीलिए लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, इन लोगों ने, भागो कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। और कोई कलयुग नहीं आया है, यह कहा गवा, घोर कलयुग आएगा। क्योंकि पहले पढ़े लिखे नहीं रहे, आप सब पढ़े लिखे हैं, पहले उनकी चन्न में चारा ढीलत रहा है, अब उनकी चन्न में चारा कोई ढीला ही नहीं जाता, उनका तो दिक्कत है नहीं, हाई दिक्कत ना चाचा, मतलब कि कोई फंदा तो भगबई करे, कोई फंदा तो भगबई करे है, जहां से तुम गुलाम हो। लेकिन मेरे समाज के लोगों, अब समझ जाओ, अब अगर ये संविधान मिटाने की बात की जा रही है, अब संविधान अगर मिट गया तो ना तो फिर से बाबा साहब संविधान लिखने के लिए आएंगे, ना तो तुम्हें ज्योतिबा राव फूले यहाँ अधिकार मान सम्मान दिलाने के लिए आएंगे, ना तो यहाँ पे ललाई सिंह यादव आएंगे, और ना तो यहाँ पे लाखन, पासी, पूरन, गोरी, उदा देवी, झलकारी भाई कोई नहीं लड़ाई है। अब केवल हम और आप लोगों को रक्षा करना है,
केवल हमहे लोग उदा देवी झलकारी बाई और ललई सिंह यादव गज्जू सिंह यादव लाखन पासी खैरा पासी बिजली पासी हम ही लोग जब बनेंगे तब भी हम और आप लोगों का वजूद रहेगा और तब भी हम और आप लोग मान सम्मान पाएंगे। बोलिए बाबा साहब की, बोलिए भगवान बुद्ध की। जो बोल रहे हैं समझ में आया चाचा नहीं तो माताओं बहनों, अब संविधान मिटाने की बात की जा रही, कितने लोग संविधान को बचाएंगे, जरा हाथ उठाओ देखें। अरे वाह, बजा लो ताली बाबा साहब के लिए। बस यही हम और अपने आप को जागना है, बस संविधान जब तक है तब तक हम लोग वजूद हैं और संविधान मिटा कि वही गुलामी आई जाएगी। चाचा लोग कहते हैं वह गुलामी का आई, वह पहले जो नहीं रहा वह चली गए, अब थोड़ी ना आई, लेकिन आई सकते है। कैसे हम बता दी, अगर संविधान फाड़ करके फेंक दिया गया, आरएसएस का कहना था कि संविधान को मैं मिटाऊंगा और मनुस्मृति लागू करूंगा, मनुस्मृति लागू करूंगा, लेकिन अगर संविधान हट गया और मनुस्मृति लागू हो गई, संविधान अगर फाड़ कर फेंक दिया गया तो उसी तरीके से हमारा समाज गुलाम हो जाएगा। कैसे? लोग कहते गुलाम नहीं होगा, गुलाम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताऊं, जब यहां से आप थाने को जाओगे थाने में सुनी नहीं जाएगी, यहां पे मारे जाओगे थाने में तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी, थाने से जाओगे कचहरी को कचहरी में तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी, वहां भी मारे जाओगे, और जब वहां से आगे बढ़ोगे सीतापुर पहुंचोगे तो सीतापुर भी मारे जाओगे, और सीतापुर से जब लखनऊ पहुंचोगे लखनऊ भी मारे जाओगे, अब जब तुम्हारा शासन सत्ता नहीं रहेगा तब तो चुप्पिया घर में बैठ जियो, चाहे ना बैठ जियो ना। तो जब तक संविधान लागू है ला लागू है तब तक हम लोग मुआ छैटन ना आईली, समझ रहे माता बहनों। प्रेम से बोले बाबा साहब की, बोले भगवान बुद्ध की।